क्रूस का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम पापी ईश्वर के अपार प्रेम की परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। इस राह पर चलते समय हम यीशु के उन दर्द भरे अंतिम क्षणों के सहभागी बन जाते हैं जिन्हें हमने यीशु को उपहार दिए थे। फिर भी यीशु ने इन दुख तकलीफों को खुशी से ग्रहण किया। क्रूस का रास्ता हमें न केवल ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कराता है बल्कि हमें उस अनंत आनंद की ओर भी आकर्षित करता है जिसे यीशु हमें प्रदान करने वाले हैं। हम हर साल यीशु के स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, पर क्या यह पर्व हमारे जीवन में बदलाव लाता है? अगर नहीं, तो आज ईश्वर हमें बुलाते हैं कि हम इस क्रूस मार्ग पर मनन कर ईश्वरीय प्रेम के सहभागी बन जाएं, जिससे हम उस अनंत आनंद को प्राप्त करें जिससे यीशु ने हमें प्रदान करने का वादा किया था। तो आइए भक्ति भाव से हम इस क्रूस रास्ते में भाग लें। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम से इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध और कभी नहीं करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। सुनो, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है यीशु, उसी को पकड़ना, समझ गए? ठीक है, तुम चाहो। गुरुवर, गुरुवर प्रणाम। यूदास, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? सामने खड़े हुए अपराधी यीशु की परीक्षा करके जांच पड़ताल करने के बाद ये यीशु मुझको तो बिल्कुल निर्दोष मालूम होगा। यीशु की बात से परेशान हो आप लोग इसको अपराधी सिद्ध करने पे तुले हुए हैं। मैं आपकी खुशी के लिए इसको कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं।
अभी। बीस पर एक, बीस पर दो, बीस पर तीन, बीस पर चार, बीस पर पांच, बीस पर छह, बीस पर सात, बीस पर आठ, बीस पर नौ, बारह बत्तीस, बारह चौंतीस, बारह पैंतीस, बारह छत्तीस, बारह सैंतीस, बारह अड़तीस, मारो उनतालीस। के चक्रवर्ती राजा के प्रतिनिधि के रूप में यहूदी राष्ट्र पर शासन करने वाला पिलातुस, मैं आज सर्वसम्मति से नाजरेत निवासी इस यीशु को यहूदी धर्म मंडली के फैसले पर अमल करने के वास्ते अभी क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा जारी करता ने मनुष्य मुक्ति के लिए स्वेच्छा से अपने आप को शत्रुओं के हवाले कर दिया। नबी इसायस ने लिखा था कि वह दुष्कर्मों से आहत था, हमारे अपराधों से ही उसे चोटें लगी थी, हमारी मुक्ति के लिए उसे दंड मिला और उसके चोटों से ही हम स्वस्थ हुए। उसे दबाया गया, कष्ट दिया, किंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और निर्दय दंड में उसका अंत कर दिया गया। यीशु कांटों का मुकुट और लाल कपड़ा पहने पिलातुस के सामने खड़े थे। कोड़ों की मार से उनका शरीर लहू लुहान हो गया था। पिलातुस ने जनता की इच्छा के अनुसार डाकू बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी। हे प्रभु यीशु, परम पावन होने पर भी आपको प्राण दंड मिला। मेरे प्रति प्रेम के कारण आपने मौन रहकर सब कुछ सह लिया। आज हम हमारे परिवारों में देखते हैं कि सहनशीलता और प्रेम की कमी के कारण बहुत से परिवार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हे प्रेम के दाता, हम तुझसे विनती करते हैं कि परिवारों में प्रेम व सहनशीलता प्रदान कर, जिससे परिवारों के सभी सदस्यों को आपकी तरह क्रूस उठाने की शक्ति प्राप्त कर सके। परिवारों में स्नेह, समझ व एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो। स्वीकार किया,
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय येसु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय येसु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। इसाया नबी ने लिखा था, सच ही वह हमारे कष्ट ग्रहण कर लेता था, हमारे दुखों को भी उसने धारण किया था। सिपाहियों ने यीशु को लाल वस्त्र पहनाया, कांटों का मुकुट गुंथकर उनके सर पर रखा और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे यीशु को सरकंडे से मारते, उन पर थूकते और घुटने टेक कर उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होंने यीशु की हंसी उड़ा लेने के बाद उन पर से लाल वस्त्र उतारकर उन्हें निजी वस्त्र पहना दिए और उनको क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए उस जगह गए जो खोपड़ी की जगह और इब्रानी में गोल गोथा कहलाती है। हे प्रभु यीशु, आज के समय में हम देखते हैं कि स्त्रियों का शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। इस प्रार्थना द्वारा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज को भी स्त्रियों का आदर, सम्मान व प्रेम देने पर बल दे। हमारे संत पिता फ्रांसिस ने भी स्त्रियों पर अत्याचार व शोषण को बंद करने के लिए जोर दिया है। हमें भी स्त्रियों का सम्मान करते हुए समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। स्रोत ग्रंथकार ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा था, जैसे कोई अपनी माँ की मृत्यु पर दुखी होता है, वैसे ही मैं उसके लिए शोक मनाता था। किंतु जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिरा तो उन्होंने मिलकर आनंद मनाया। मेरे विरोध में इकट्ठे होकर मुझ आबोध को मारने दौड़े,
मुझे मारते गए जब तक मैं खूब घायल ना हो गया। वे मुझे चिढ़ाते और मेरी हंसी उड़ाते रहे, मेरे विरुद्ध दांत पीसते रहे। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया। भूख, प्यास और खून बह जाने से वे इतने निर्बल हो गए कि भारी क्रूस के साथ वे गिर पड़े। सिपाही लोग पूरी क्रूरता से उनको मारते, घसीटते और उनकी हंसी उड़ाते थे। हे प्रभु यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, पर आज के आधुनिक युग में हमारा युवा समाज इंटरनेट से अश्लीलता में लिप्त होकर अपने नैतिक मूल्यों से गिरते हुए आपको भी क्रूस के नीचे ढकेल रहा है। हे प्रभु, हम तेरी इन पीड़ाओं को याद करते हुए सावधान रहकर अश्लीलता से दूर रहना सीखें और उन्हें इंटरनेट का सही उपयोग करने की कृपा प्रदान कर और हमें घोर पाप में पड़ने से बचा। चौथा स्थान। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। शोक गीत के ग्रंथ में लिखा गया है, अरे मार्ग से गुजरते लोगों, तुम सब देखो और ध्यान दो, मेरे सरीखा दुख और भी कोई भोग रहा है। शिशु यीशु को गोद में लेकर धर्मी सिमियोन ने माता मरियम से कहा था, देखिए यह बच्चा इज़राइल में बहुतों के पतन और उद्धान के लिए नियुक्त हुआ है। यह एक प्रतीक है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। इस प्रकार बहुतों के मनोभाव प्रकट हो जाएंगे। हे मधुर यीशु, आज हम सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं कि उन सभी भाई बहनों में आपकी माँ के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न हो। वे सभी माता मरियम में विश्वास करें कि माता ही हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु तक पहुंचाती है। वे सभी माता मरियम की भक्ति पर विश्वास करते हुए समाज में उनके प्रति आस्था रखें। वे उनके प्रति अफवाह ना फैलाकर उन पर विश्वास करें।
सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। किरीन निवासी सिमोन, जो सिकंदर तथा रूफस के पिता थे, खेत से लौटते समय उधर से निकले। सिपाहियों ने उन्हें बेगार में पकड़ा कि वे यीशु का क्रूस ले चले। यहूदी नेता चाहते थे कि यीशु को जिंदा क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन यीशु को बहुत थका हुआ देखकर उनको डर लगा कि वह रास्ते में ही न मर जाए। यीशु को थोड़ी देर विश्राम देना ही उनको उचित लगा। इसी वजह सिपाहियों ने क्रूस ढोने के लिए सिमोन को जबरदस्ती मजबूर किया। हे प्रभु, हम भी तेरे क्रूस ढोने में अपना अहोभाग्य समझें। आज जिस तरह कोरोना महामारी से लोगों का स्वास्थ्य में हानि, काम की कमी, ये सब तकलीफें लोगों का क्रूस बन गई हैं। जैसे सिरिनी सिमोन ने आपकी क्रूस ढोने में सहायता की, वैसे हम सब लोग भी आगे आकर एक दूसरे की सहायता कर सकें, इसके लिए आप अपनी कृपा प्रदान कीजिए। भक्ति से यीशु का चेहरा पूछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। नबी इसायस ने लिखा था, उसमें ना कोई रूप था और ना सौंदर्य जिसे हम देखना चाहें,
ना कोई आकर्षण ही था जिसकी ओर हम झुक सके। वह ऐसा था जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ था। उसकी सुंदरता और कांति उड़ गई थी। सिपाहियों ने थूक कर उस आराध्य चेहरे को गंदा कर दिया। यीशु की दिशा देख तरस खाकर एक धर्मी स्त्री जिसका नाम वेरोनिका था भीड़ में से आगे बढ़ी और उसने अपने रुमाल से यीशु का चेहरा पोंछ लिया और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। यह था करुणा का पुरस्कार। हे प्रभु यीशु, कितना सहज है आपका यह निमंत्रण। सबको आप अपने पास बुलाते हैं, थके मांदों को विश्राम देने का वादा करते हैं। आज हमारे देश के किसान अपनी समस्या से खुद जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी सुनने के लिए कोई राष्ट्र का नेता आगे आकर उनकी समस्या का हल नहीं निकाल रहा। हम प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्र के सभी राष्ट्र आगे आकर वेरोनिका के सम्मान उनकी पीड़ाओं को समझ सकें और उनके आंसुओं को पोंछ सकें। स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। स्रोत्र ग्रंथकार ने प्रभु के दुख भोग के विषय में लिखा था, मैं पानी की तरह बहा दिया गया हूँ, ठीकरी की तरह सूख गया हूँ और मेरी जिह्वा तालू से सट गई है और तूने मुझे मृत्युजन में मिला दिया है। यीशु के अंग अंग ढीले हो गए और वे क्रूस से नीचे दूसरी बार गिर गए। हे प्रभु, हम विशेष करके सभी धर्म भाई बहनों को आपके समक्ष लाते हैं जिन्होंने आपके क्रूस को उठाकर कलवारी की राह पर चलने का निर्णय लिया था। आज वही धर्म भाई बहन उस क्रूस को तिरस्कृत करते हुए अपने निजी जीवन में व्यस्त होकर आपके क्रूस को इनकार करते हुए आपको उस क्रूस के नीचे गिराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप सभी धर्म भाई बहनों को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वे उनकी बुलाहट को सही रूप से पहचान सकें और आपको क्रूस के नीचे गिरने ना दें।
का रुदन विलाप पालनहार की खातिर सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती हैं। जनता और स्त्रियों की भारी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। स्त्रियां उनके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थीं। यीशु ने उनकी ओर घूमकर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है बांझ, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने नहीं जना, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। प्रभु यीशु रोमियों द्वारा यरूशलेम के ऊपर आने वाली भयंकर विपत्तियों की भविष्यवाणी कर रहे थे। वर्षों बाद यह भविष्यवाणी पूरी हुई। रोमियों ने यरूशलेम को घेर कर उसे मिटा दिया। स्त्रियां और बच्चे भूखे मर गए। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। विपत्तियों ने मेरी शक्ति क्षीण कर दी और मेरी हड्डियां गलती जा रही हैं। मेरी दशा टूटे हुए बर्तन के समान हो गई है। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। भूख, प्यास, कोड़ों की मार और सारे शरीर के घावों से खून बह जाने के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था। इसके अलावा उनका मन दुख से दबा हुआ था।
शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं इतनी तीव्र हो गई थी कि विवश होकर यीशु मुंह के बल गिर पड़े। हे प्रभु, आज हमारा समाज भ्रष्टाचार, अन्याय, जाति भेद, अत्याचार से भरा हुआ है और इन परिस्थितियों के कारण आज हम प्रभु यीशु को बार बार क्रूस के नीचे ढकेल रहे हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे सभी नेताओं को आपके समक्ष लाते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे सब न्याय, ईमानदारी, दयालुता, सब भाईचार से अपने कर्तव्यों को निभा सकें। जाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दसवां स्थान। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। मेरे वस्त्र वे आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते के लिए चिट्ठी डालते हैं। स्त्रोत ग्रंथकार की यह भविष्यवाणी कलवारी पहाड़ी पर पूरी हुई। क्रूस धोते हुए यीशु कलवारी के ऊपर पहुंच गए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पहले सिपाहियों ने उनके कपड़े उतारे। बाद में उन्होंने वे कपड़े लेकर चार भागों में बांटे, हर एक सिपाही के लिए एक भाग। उनका कुर्ता बिना सीवन के सारा का सारा बुना हुआ था, इसलिए सिपाही आपस में बोले, इसे ना फाड़ें, इस पर चिट्ठी डालकर देखें ये किसे मिलता है। आपने पहले पत्र में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 6 वाक्यांश 19 में कहते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वे आप में निवास करता है। आजकल समाज के लोग हर किसी को बुरे नजरिए से देखते हैं और उनके चरित्र का अपमान करते हैं। हे प्रभु, आप उन सभी लोगों को सद्बुद्धि से भर दीजिए ताकि वे हर एक का मान सम्मान करते हुए समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। I'm
चारवां स्थान। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार ने भविष्यवाणी की थी, दुष्कर्मियों का एक दल मुझे घेरे हुए है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद दिए हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मेरी ओर घूरते हैं और मुझे देखकर उपहास करते हैं। वह अपने यहाँ आया पर उसके स्वजनों ने उसका स्वागत नहीं किया। संत योहन का यह कथन कितना ठीक है। यीशु पिता की ओर से प्रेम का संदेश लेकर आए। उनका संदेश लोगों ने ठुकरा दिया। रोगियों को चंगा करते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, हताश व्यक्तियों के दिल में नई आशा की ज्योति जलाते हुए, फिलिस्तीन में घूमे फिरे उन पावों को पापियों ने क्रूस पर ठोक दिया। पापियों को गले लगाने के लिए उन्होंने हाथ पसारे। उन हाथों में उन्होंने कीले ठोक दी। प्रभु यीशु संत पैतरुस के पहले पत्र के 2:24 में कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। भारत में बहुत से मिशनरी कार्यों की निंदा और उन पर अत्याचार किया जाता है। उनके अच्छे कार्यों के लिए उन पर कीले ठोकी जाती हैं, जिस प्रकार आप पर भी कीले ठोकी गई थी। हे प्रभु, हम भारत में हो रहे मिशनरी कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि समाज में इनके सभी कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न न कर पाए। प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। बारवां स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। मैं तो कीट के समान हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य द्वारा घृणित और लोगों द्वारा तिरस्कृत। जो भी मुझे देखता है मेरा उपहास करता है। मुझे चढ़ाने के लिए लोग मुंह सिकोड़ते और सिर हिलाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ की यह भविष्यवाणी भी यीशु में पूरी हुई। दो डाकुओं के बीच में यीशु
क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। उधर से आने जाने वाले अपना सर हिलाकर उन पर ताने मार रहे थे, ऐ मंदिर को ढोने और 3 दिनों में फिर बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने को तो बचा। इसी प्रकार शास्त्रियों के साथ प्रधानयाचक भी उनकी हंसी उड़ाते हुए आपस में बोल रहे थे, इसने दूसरों को तो बचा लिया किंतु अपने को नहीं बचा सका। अब ये क्रीस्त इज़राइल का ये राजा क्रूस पर से उतरे तो हम देखें और विश्वास करें। लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तब यीशु ये जानकर कि उनके विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा गया था सब पूरा हो गया है, ऊंचे स्वर में पुकार उठे, हे पिता, मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। के क्रूसित प्रभु यीशु, दुनिया के न्यायकर्ताओं ने बड़े अन्याय के साथ आपको हीन से हीनतम स्थिति में मरने को विवश किया। जिस तरह आज के नौजवान अपने बूढ़े माता पिता को त्याग और परिश्रम को भूलकर उन्हें वृद्ध आश्रम में मरने के लिए मजबूर करते हैं, हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके उस महान त्याग और क्रूस पर बलिदान को याद करते हुए हमारे नौजवान अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपना कर्तव्य निभा सकें। जाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे सांत्वना दे या मेरा धैर्य बंधाए। शोक गीत का यह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के दो गुप्त शिष्य
अरिमिथिया के योसेफ और निकोदेमस ने यीशु का शरीर क्रूस पर से उतारकर माता की गोद में रख दिया। हे माता मरियम, आपका दुख अता सागर सा गहरा है। आज ये दुख अपनी चरम सीमा पर है। आज हम उन परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजा है तथा उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गवा दी। हे प्रभु, आज हम विशेष करके उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें कि आप ही उनके सांत्वना दाता बने। पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौदवा स्थान, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। उन्होंने उसकी कब्र दुष्टों के बीच में बनाई, मृत्यु के बाद वह धनवान की कब्र में रख दिया गया। इसायस नबी का यह कथन भी पूरा हुआ। योसेफ और निकोदेमस ने यीशु का शव लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की प्रथा है। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसी जगह एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। वह कब्र नजदीक थी, इसीलिए यहूदियों की तैयारी का दिन होने के कारण उन्होंने यीशु को उसी में दफना दिया। लेकिन राजा दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, तू मेरी आत्मा को नरक में नहीं छोड़ेगा और ना अपने पवित्रतम को विकृत होने देगा। तूने मुझे जीवन के पथ दिखलाए हैं। संत पेत्रुस कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के इस कथन के अनुसार यीशु को ईश्वर ने जिलाया है। हम सब के सब इस बात के साक्षी हैं। हे प्रभु, आप मरकर जी उठे, हमें जीवन दिलाने के लिए आज जब हम इस चालीसे के पहले शुक्रवार को मनाते समय आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करके आप पर विश्वास करते हुए आपके पथ चिन्हों पर चलने की शक्ति एवं मदद हमें प्रदान कीजिए। विशेषकर आज के इस दिन हम उन सभी लोगों को
आपके चरणों तले समर्पित करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हुए अपनी अंतिम सांसों को गिन रहे हैं। आप उनके तन, मन, दिल को अलौकित कीजिए, ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए अपने प्राणों को त्याग दें और वे उस स्वर्ग राज्य के सहभागी बन सकें। समापन प्रार्थना। हे स्नेहमय पिता ईश्वर, आपने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, बल्कि हम सबों के लिए उन्हें अर्पित किया। प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और उनके मुख से कभी छलकपट की बात नहीं निकली। वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। आपने मसीह में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। हम आपसे सविनय विनती करते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी आप पर हमारा भरोसा दृढ़ बना रहे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब मृत्यु द्वारा यहाँ का हमारा निवास समाप्त हो जाएगा, तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई भी विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार हमें आपके प्यार से कभी वंचित न करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी